के बारे में, इल्तुतमिश के बारे में, रजिया सुल्ताना के बारे में। आज हम आपको गियासुद्दीन बलबन के बारे में बता रहा हूं। गियासुद्दीन बलबन का एक्चुअल नेम, रियल नेम बहाउद्दीन था। बचपन में उसे मंगोल पकड़े ले गए, बाद में वह गजनी लाया गया जहां बसरा का एक व्यापारी जमालुद्दीन ने उसे खरीद लिया और बलबन को दिल्ली लाया। दिल्ली में इल्तुतमिश ने उसको खरीद लिया। बलबन में होनहार के लक्षण थे। इल्तुतमिश ने उसे 40 तुर्क दरबारियों यानी टर्किश चहलगानी में सदस्य के रूप में 1235 में अपॉइंट कर दिया था, लेकिन जल्द ही उसे एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर अपॉइंट किया, जैसा कि हमने बोर्ड पर लिख रखा है, खासदार पद पर अपॉइंट किया था। बाद में रजिया के शासनकाल में, रजिया के समय में बलबन को अमीरी शिकार के पद पर अपॉइंट किया गया था। दोस्तों, रजिया को सत्ता से हटाने में, बहराम शाह को सत्ता में ले आने में सबसे बड़ा योगदान गियासुद्दीन बलबन का था। 1240 से 42 तक बहराम शाह ने शासन किया। बहराम शाह के शासनकाल में बलबन अमीरे आखूर के पद पर था। आखूर का मतलब अश्वसाल होता है, घुड़साल भी कहते हैं, रॉयल स्टेबल भी कहते हैं। इस महत्वपूर्ण पोस्ट पर बहराम शाह ने इसको अपॉइंट किया। बहराम शाह को हटा करके इसकी जगह पर अलाउद्दीन मसूद शाह को, अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 से 46 तक सत्ता में लाया गया। अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में बलबन का काफी बड़ा रोल था, लेकिन 1246 में नसीरुद्दीन महमूद शाह को सत्ता में लाया गया। नसीरुद्दीन महमूद शाह को बलबन ने अपना दामाद अपॉइंट किया। नसीरुद्दीन महमूद शाह को बलबन ने अपना दामाद बना लिया, जिससे वह नसीरुद्दीन के बड़े खासम खास लोगों में आ गया। यह भी कहा जाता है कि रेहान नामक एक इंडियन मुस्लिम नसीरुद्दीन खुसरो खान का वजीर था और बड़ा ही वफादार था। जब तक वह नसीरुद्दीन का वजीर रहा या नायब रहा, तब तक उसका कोई हानि नहीं पहुंचा पाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। लेकिन एक षड्यंत्र के तहत में बलबन ने रेहान को वजीर के पद से हटवा दिया और जल्द ही वह उस पोस्ट पर आ गया। नसीरुद्दीन महमूद शाह के समय में बलबन ने काफी तरक्की किया। एक दिन मौका पाया 1265 में अथवा 1266 में नसीरुद्दीन महमूद शाह की हत्या करके वह स्वयं सुल्तान बन बैठा। दोस्तों, अपने दामाद नसीरुद्दीन महमूद शाह को ही मार दिया और 1265 अथवा 1266 में सत्ता में आया। जैसे ही बलबन सत्ता में आया, उसने सबसे पहले राजत्व के सिद्धांत को अपनाया, यानी डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप। दोस्तों, याद रखें, राजत्व की प्रतिष्ठा को बड़ा नुकसान हुआ था। इल्तुतमिश के शासनकाल में अपॉइंट किए गए टर्किश चहलगानी ने राजत्व की प्रतिष्ठा का बड़ा नुकसान पहुंचाया। सबसे पहले बलबन ने राजत्व की प्रतिष्ठा को बचाया। उसने डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप अडॉप्ट किया। इस सिद्धांत के द्वारा उसने स्वयं को पृथ्वी पर जिल्ले इलाही यानी शेडो ऑफ गॉड कहा, अथवा उसने पृथ्वी पर स्वयं को नियाबते खुदाई यानी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड कहा। बलबन ने अल्लाह को टॉप पे रखा, अल्लाह के बाद पैगंबर को मान्यता दिया, देन अपने आप को स्थापित किया। बलबन के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने राजत्व की प्रतिष्ठा के लिए सिजदा एवं पाइबोस नामक दो नियम बनाए, यानी 40 तुर्क दरबारियों के लिए यह फरमान जारी किया कि वह सुल्तान का अभिवादन
लेटकर करें। जमीन पर लेटकर वह सुल्तान का अभिवादन करें और सुल्तान के पैर चूमें। ऐसा पहली बार हुआ जब दिल्ली सल्तनत में ताज की प्रतिष्ठा बताने के लिए बलबन ने यह पॉलिसी अडॉप्ट किया। याद रखें, सिजदा एंड बायबोस, सिजदा जमीन पर लेटकर सुल्तान का अभिवादन करना, पायबोस का मतलब होता है सुल्तान के पैर चूमना। दोस्तों, बलबन अपने आप को अफरासियाब डायनेस्टी का मानता था। अल फिरदौसी की बुक का नाम है शाहनामा, में अफरासियाब डायनेस्टी का जिक्र किया गया है। बलबन अपने आप को उसी खानदान का मानता था। बलबन यह भी कहता था कि जब वह निम्न कास्ट के व्यक्ति को देखता है तो उसका खून खौल उठता है और उसकी तलवार उसके हाथ में आ जाती है। याद रखें, उसने यह सिद्धांत अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए, सुल्तान के ताज को बचाने के लिए अपने आप को उच्च खानदान का बताया। बलबन ने पर्शियन कस्टम्स यानी फारसी रीति रिवाज को अपनाया। पर्शियन कस्टम्स के अंडर में बलबन ने इंडिया में पहली बार नौरोज त्योहार स्टार्ट किया था। दोस्तों याद रखें, नौरोज नए साल के उपलक्ष्य में 9 दिन तक मनाया जाता था। बलबन अपने दरबार को पर्शियन किंग के दरबार के हिसाब से सजाया, अपने दरबार को पर्शियन किंग के हिसाब से लगाया। तो इस तरह से उसने ताज की प्रतिष्ठा, किंग के पावर की प्रतिष्ठा को बरकरार रखा। उसने यह भी आदेश दिया कि जिसने भी सुल्तान के आदेश का उल्लंघन किया उसे अल्लाह के आदेश का उल्लंघन माना जाए और ऐसे व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाए। दोस्तों, बलबन ने डिवाइन थ्योरी के अलावा दूसरा एक बहुत बड़ा कदम उठाया, टर्किश चहलगानी के दल को ही समाप्त कर दिया। वैसे हमने आपको बताया था, टर्किश चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। याद रखें, टर्किश चहलगानी इल्तुतमिश ने स्थापित किया था, लेकिन बलबन ने टर्किश चहलगानी को समाप्त कर दिया। 40 तुर्क दरबारियों के दल को समाप्त कर दिया। एक दो दरबारी ने जब प्रॉब्लम क्रिएट किया तो बलबन उन्हें अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। इस दृश्य को देखकर बाकी तुर्क दरबारी या तो हट गए या फिर बलबन के आदेश का पालन किया था। दोस्तों, अपनी साम्राज्य की प्रतिष्ठा, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए सुल्तान बलबन ने अपनी सेना को ऑर्गेनाइज किया। दिल्ली सल्तनत में पहली बार बलबन ने दीवाने अर्ज नामक डिपार्टमेंट बनाया। याद रखें, दीवाने अर्ज यह एक मिलिट्री डिपार्टमेंट था। बलबन इस डिपार्टमेंट में स्वयं सैनिकों की भर्ती करता और उनको प्रशिक्षण देता और उनको ट्रेनिंग देता। ऐसा भी कहा जाता है कि बलबन प्रतिदिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाता और 1000 चुने हुए घुड़सवार सिपाहियों को लेकर 10 मील दूर तक जाता था, यह देखने के लिए उसके सिपाही कितने एक्टिव हैं। दिल्ली सल्तनत में पहली बार बलबन ने यह सिस्टम स्टार्ट किया कि वह सैनिकों की स्वयं डायरेक्ट भर्ती करता और उनको इनडायरेक्ट ट्रेनिंग देता था। इसके अलावा बलबन ने एक और डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने बरीद नाम है। याद रखें, दीवाने बरीद यह जासूस विभाग था यानी स्पाई डिपार्टमेंट था। इस डिपार्टमेंट के द्वारा बलबन के जासूस पल पल की खबर बलबन को अपडेट करते रहते थे। दोस्तों, बलबन के जासूस सादे पोशाक में प्रत्येक जगह पर फैले हुए थे और पल पल की खबर बलबन के पास पहुंचाते रहते थे। इवन ये भी कहा जाता है कि बलबन के दरबारी आपस में विस्पर नहीं करते थे यानी कानाफूसी नहीं करते थे। क्या पता कोई बलबन का जासूस उनकी जासूसी न कर ले। दोस्तों, एक बात और था, ये दरबारी आपस में रिश्तेदारी भी नहीं बनाते थे। उनको यह डर लगता था कि कहीं बलबन यह न समझ बैठे कि ये रिश्तेदारी करके बलबन के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी रच रहे हैं यानी षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। ऐसे दरबारियों को बलबन बख्शता नहीं था। दोस्तों, बलबन की एक और पॉलिसी बड़ी इंपॉर्टेंट है। बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति अपनाई यानी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन।
याद रखें, यह पॉलिसी दिल्ली सल्तनत में पहली बार बलबन ने अडॉप्ट किया था। इस पॉलिसी के द्वारा बलबन अपराधियों को मृत्युदंड देता था। दोस्तों ऐसा भी कहा गया है कि बलबन की डिक्शनरी में क्षमा नाम का शब्द ही नहीं था, पार्डन शब्द ही नहीं था। यह भी कहा जाता है कि बलबन अपराधी से बात नहीं करता था, बल्कि बलबन की तलवार अपराधी से बात करती थी। जब बलबन किसी अपराधी को देखता तो उसका खून खौल उठता था, और अपराधी को सजा देने के लिए इसकी अपराधी को सजा देने के लिए उसकी भुजाएं फड़क उठती थी, तलवार उसके हाथ में आ जाती थी। बलबन पब्लिक के सामने अपराधी का सर अपनी तलवार से धड़ से अलग कर देता था, या अपराधी के चार टुकड़े कर डालता था, या फिर उसे ईसा मसीह की तरह दीवार पर कील ठुकवाकर उसके शरीर में उसको मृत्युदंड देता था। दोस्तों बलबन के समय में कहा जाता है कि अपराधी दूर दूर तक नजर नहीं आते थे। बलबन अपराधियों को पनिशमेंट देने में तनिक हिचकता नहीं था। पब्लिक के सामने अपराधियों को पनिशमेंट देता था, जिससे कि कोई व्यक्ति ऐसा अपराध करने से कई बार सोचे। एक बार पंजाब के गवर्नर मलिक बकबक ने 15 साल के एक बच्चे को इतना पिटवाया कि वह बालक मर गया। उसका कोई दोष नहीं था। बलवन को इस बात की खबर हुई। बलवन ने मलिक बकबक को दिल्ली बुलवाया और उसे 500 कोड़े लगवाए। अंत में उसे एक विडो के अंडर में कर दिया। जीवन भर वह महल से बाहर नहीं आया। तो दोस्तों उच्च पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, बलवन किसी को बख्शता नहीं था। बलवन कभी भी किसी अपराधी को बख्शा नहीं, चाहे वह रिश्तेदार हो, दरबारी हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सबको एक दृष्टि से देखता था और सबको पब्लिक के सामने पनिशमेंट करता था। तो इस तरह बलबन बड़ा सख्त सुल्तान था। शायद ही दिल्ली सल्तनत में इतना कोई सख्त सुल्तान हो। इस तरह से बलबन के शासनकाल में अपराधियों का बोलबाला नहीं था। दोस्तों बलबन के शासनकाल में यह भी कहा जाता है कि न्याय व्यवस्था काफी चुस्त दुरुस्त भी थी। जिस प्रतिष्ठा को इल्तुतमिश ने स्थापित किया, उस प्रतिष्ठा को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बलबन ने बनाया। बलबन के शासनकाल में दिल्ली में किलोकरी शहर बसाया गया। याद रखें, किलोकरी शहर दिल्ली में वर्तमान में महारानी बाग के आसपास है। बलबन ने दिल्ली में किलोकरी शहर के अलावा एक किलोकरी किला भी बनवाया, जिसे बलबन का लाल किला भी कहा जाता है। बलबन इसी लाल किले से दिल्ली सल्तनत पर शासन करता था। बलबन के शासनकाल में बंगाल के गवर्नर तातर खान ने विद्रोह कर दिया था, और जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, 1279 में तुगरिल खान, इसने विद्रोह किया था, तुगरिल खान, और इसने सुल्तान मुगिसुद्दीन की टाइटल ले लिया था। सुल्तान मुगिसुद्दीन की टाइटल ले लिया था। कहा जाता है कि अवध के नवाब, अवध के सूबेदार या इक्तादार, नवाब नहीं, सूबेदार या इक्तादार को भेजा गया, लेकिन तुगरिल बेग ने या तुगरिल खान ने उसे हरा दिया। सुल्तान अवध के इक्तादार अमीन खान को मार करके अयोध्या के मेन गेट पर लटका दिया। बाद में शहाबुद्दीन को भेजा गया, जो कि नया नया इक्तादार बनाया गया अवध का, वो बिहार के चला आया। अंत में बलबन स्वयं तुगरिल खान के खिलाफ अभियान आयोजित किया। बलबन का बेटा बुगरा खान तुगरिल खान को दौड़ा लिया। तुगरिल खान बंगाल से लखनौती की तरफ भागा। बाद में बुगरा खान ने तुगरिल खान को मार दिया। अंत में बलबन ने बुगरा खान को पंजाब बंगाल का गवर्नर अपॉइंट किया। तो इस तरह दोस्तों 1285 में मंगोल लीडर तामर ने पंजाब पर अटैक किया था। मंगोलियन लीडर
तामर इसने पंजाब पर अटैक किया था, जिसके लिए बलबन का दूसरा बेटा मोहम्मद या महमूद भेजा गया, लेकिन वह तामर से युद्ध करता हुआ मारा गया। बलबन को सबसे बड़ा कष्ट यही था, उसका बेटा मोहम्मद या महमूद तामर खान मंगोल से लड़ता हुआ मारा गया। इस बात को बलबन ने कभी भी अपने दरबारियों में शेयर नहीं किया, जबकि बलबन के दुख का सबसे बड़ा कारण उसका बेटा मोहम्मद मंगोल आक्रमणकारियों से मारा गया था। वैसे दोस्तों, बलबन पहला ऐसा सुल्तान है मंगोलों से निपटने के लिए नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किलों का निर्माण स्टार्ट किया था। याद रखें, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए किलों का निर्माण स्टार्ट किया, चेन ऑफ फोर्ट्स। और इसी बीच में तामर का आक्रमण हुआ पंजाब वाले एरिया पर, जिसमें बलबन का बड़ा बेटा महमूद मारा गया। यही उसका सबसे बड़ा कष्ट का कारण था। वैसे बलबन के शासनकाल में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बलबन फेमस है अपनी सख्ती के लिए। इतना सख्त सुल्तान दिल्ली सल्तनत में कोई नहीं था जितना कि बलबन। कहा जाता है कि बलबन कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को अपने दरबारियों में शेयर नहीं करता था, क्योंकि वह जानता था ये दरबारी उसकी इस प्रॉब्लम्स को, उसकी इस कमजोरी को का फायदा उठा पाएंगे। इसलिए बलबन कभी भी अपने प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं किया। जब वो अपने पर्सनल कक्ष में जाता था तो अपने बेटे महमूद की डेथ पर जोर जोर से रोया करता था। रोने की आवाज उसके महल से बाहर सुनाई पड़ती थी। बलबन की पर्सनालिटी के बारे में कहा जाता है कि उसका लंबा चेहरा, लंबी सफेद दाढ़ी घुटने को टच करती थी, बड़ी बड़ी आंखें, कोई भी उससे निगाह मिला के बात नहीं कर सकता था। इवन ये भी कहा जाता है कि बलबन की शक्ति की वजह से बलबन के मरने के बाद भी उसके दरबारी यह नहीं कह पा रहे थे कि बलबन मर गया। कुछ दरबारियों ने कुछ दिन के बाद हिम्मत जुटाई और अंत में ये कहने लगे कि शायद बलबन मर गया। जब बलबन के मरने के बारे में पुष्टि हो गई, तीन दरबारियों ने सिर के बाल छिलवा डाले और उसकी डेड बॉडी को दफनाने के लिए नंगे पांव दारुल हर्ब तक जा रहे थे। रास्ते में पड़े धूल के कण अपने सर पर फेंक रहे थे, यह डर करके कहीं बलबन उठ न बैठे और देखे उनका उसका अंतिम संस्कार कैसे कर रहे हैं। तो इस तरह बलबन बड़ा सख्त था। इवन ये भी कहा जाता है कि 1290 में जब खिलजी वंश का फाउंडर जलालुद्दीन खिलजी शासन करने आया, तो उस जगह से शासन नहीं करता था जहां से बलबन शासन किया करता था। बलबन की उस गद्दी पर जलालुद्दीन कभी नहीं बैठा जिस पर बलबन बैठा करता था। इवन ये भी कहा जाता है कि जलालुद्दीन जब उस गद्दी के पास पहुंचता था, सिंहासन के पास पहुंचता था, जोर जोर से रोता था, क्योंकि उसको पुरानी बातें याद आती थी किस प्रकार वह इस सिंहासन के सामने यानी बलबन के सामने खड़ा होकर बलबन के आदेश को फॉलो करता था। तो दोस्तों, इस तरह बलबन बड़ा सख्त सुल्तान था। 1287 में ही बलबन का देहांत हो गया, 1287 में बलबन का देहांत हो गया और उसे उसे यही दिल्ली में दफनाया गया। बलबन की डेथ के बाद उसके उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। वैसे बलबन का ग्रैंडसन कैकुबाद, बाद में कैकुसरो, लास्ट में कयूमर से सत्ता में आए थे। याद रखें, कैकुबाद, कैकुसरो, कयूमर्स सत्ता में आए, लेकिन वे बेहद कमजोर उत्तराधिकारी साबित हुए। 1290 में 1290 में अंतिम गुलाम सुल्तान कयूमर्स का किडनैप करके जलालुद्दीन खिलजी ने बहावलपुर के पास मार डाला उसे, और उसके बाद खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किया। दोस्तों याद रखें, 1290 में अंतिम गुलाम सुल्तान कयूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की नींव डाली। तो इस तरह गुलाम वंश का पतन हो गया और इसके बाद खिलजी डायनेस्टी आई। इस खिलजी डायनेस्टी के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो क्लिप में बताएंगे।
दोस्तों आपको ये वीडियो क्लिप पसंद आई होगी, आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो बाकी वीडियो क्लिप को भी अवश्य देखें। धन्यवाद। थैंक यू।